मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ रजिंद्रपाल वर्मा। सर क्या ठगी हुई है आपके पास उसके बारे में बताओ। सर 29 अगस्त मैंने स्टेट बैंक तो SBI क्रैडिट कार्ड तो आई सी कॉल, वो कहते जी थोड़े लिमिट बधाने रिवार्ड पॉइंट असी थोड़े लैस करने हैं, जिस तो मैं मना कर दिता। दोबारा फिर कॉल आई, उस तो बाद मेरा फोन हैंग हो गया। फोन जो हैंग हो उस तो बाद सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइन चले गया। उस कार्ड जो ब्लॉक कराया, ब्लॉक कराने के पलो पलो मेरा 1,18,000 मैंने फ्रॉड हो चुका है जी। उस तो मैं कार्ड ब्लॉक कराया, उस 15 मिनट बाद मैं साइबर क्राइम चाह के रिपोर्ट कराई 29/8 में। उस तो अज तक मैं कोई इंसाफ नहीं मिले, ना मेरे को लैस हो रहा। स्टेट बैंक वाले मैं प्रेशर पा रहे हैं, विद इंट्रस्ट पेमेंट मांग रहे हैं मैं जी। मैं नहीं पैसे कोई वापस नहीं आए जी। मैं हम पुलिस स्टेशन आया से, वो कहते तो कुछ नहीं हो सकते, इतने पैसे तुम्हें भरने पैने। मैं साइबर क्राइम से गेड़े ला चुके हैं, उधर मैं स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड वाले पेमेंट का बारे मेलना पा चुका, लेकिन कोई मेरा इतने मन नहीं रहा जी। 3-4 महीने हो गए। हाँ जी, जवाब की दे रहा कुछ नहीं जवाब मिले जी। मैंने कल फोन आया से, कहते इतने थाने आओ, हूँ भी आए, कहते तो थोड़ा पैसे भरने पैने, बंदे फड़े नहीं जाते जी। ये सारे ID वगैरह सारे नकली होंगे, बंदे कोई नहीं फड़े जाते जी। पर तुसी किन्ने घंटे च जिहड़ी आ कंप्लीट करती सी इस चीज दी? 1 घंटे दे विच जी। पर वो तां कहिंदे वी 24 घंटे च जे कर दो पैसे वापस आ जाणगे। नहीं सर, ना मेरा कुछ नहीं होया जी। मैं अब तक घूम रहा है, मेरा कुछ नहीं होया भाई। 1,35,000 उधर मन्ना प्रेशर पाने स्टेट बैंक वाले कि सर कितने कितने कंप्लेंट कीती जी तुसी इस चीज नूं लैके? मैं सर बैंक भी कीती सी, साइबर क्राइम भी आके कीती। उस टाइम मैं 15-20 मिनट के स्टेट बैंक सिविल लाइन चले गया सीगा मिस्टर भंडारी कोल, उत्थे ब्लॉक कराया, उन्होंने कंप्लेंट करती। उस तो सीधा मैं उत्थे आ गया साइबर क्राइम। की इंसाफ मांगदे हो? सर मेरा बंदे फड़े जाण, मेरा पैसे उन्होंने रिकवरी किया जाए जी, क्योंकि एड्डी वड्डी अमाउंट मैं नहीं भर सकते जी। सर मेरे बैठे 5-6 बंदे होर आ चुके, कि 70,000 कि 40,000 फ्रॉड हो चुका जी। एक बंदा मिस्टर रजनीश सीगा, हुणे वह भी आके गया बस्ती जोधेवाल तो, लेकिन कोई फायदा नहीं हैगा आंदा जी। सानू यही कहा जाता पैसे थोड़ा भरने पैने जी, कोई बंदे फड़े नहीं जाते जी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। I heads the admission, legal and facilities for a company. As a cyber crime? साइबर क्राइम लीगल सब उसी में काउंट करते हैं सर। IT सर, आप एक हमें बता सकते हैं कि साइबर क्राइम में आजकल किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है सर, और इसमें कितनी कंप्लेंट्स रोजाना आती हैं, और खासतौर पर बात की जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में कितनी? सर अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न इंडिया में, इट्स इन थाउजेंड्स पर डे। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जो छोटे मोटे होते हैं जैसे किसी के 1,500-2,000 का जो फ्रॉड होता है वो तो कभी रजिस्टर होता ही नहीं है। तो मोटी बात करूँ तो हज़ारों लाखों में हैं रोज़ कंप्लेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा है कोरोना के बाद से, बिकॉज अब तो इतना हो गया इंडिया के अंदर ही अब बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इवन आपका भरतपुर राजस्थान वगैरह में यही लोग बैठे हैं पूरे के पूरे उस साइड। अभी आप आए थे अभी क्या? नहीं आपने यहाँ पर पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में कितना आप देख पा रहे हैं सर? पंजाब में ट्रस्ट मी साइबर क्राइम जैसी टीम जैसी यहाँ पर बैठी है, दे आर फैंटेस्टिक पीपल, दे हेल्प आउट। जो नॉर्मल मैंने देखा जो 4-5 दिन से आ रहा हूँ वो काफ़ी हैं, लेकिन कंप्लेंट्स काफ़ी हैं। अगर मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर पाऊँगा, लेट्स से 4,500 कंप्लेंट तो होती होंगी इनके पास डेली। आई एम जस्ट गिविंग ए नंबर। अच्छा सर एक चीज़ हो, लोगों के जो पेमेंट्स रहती है, क्योंकि लोग कहता है और कानून कहता है कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर अंदर आप कंप्लेंट करते हो तो आपके पैसे भी आपको वापस मिलते हैं, और कहीं ना कहीं चोर को पकड़ना भी आसान रहता है। करेक्ट। वो उसके में सर देखिए RBI कहता है कि अगर आप 24 घंटे में यू डिनाई दैट जो भी आप ट्रांजेक्शन आपने किया, अगर आप उसको डिनाई कर देते हो तो वो उस ट्रांजेक्शन को फ्रीज कर सकते हैं कि वो उस बैंक में बनी रहे। उसके बाद उसका एक प्रोसेस है, पूरा लंबी लेंथी प्रोसेस है। इंडिया में इट विल टेक 2-3 महीने टू कवर दैट अप, बिकॉज आपको फिर साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत लगता है उसमें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट। RBI का गाइडलाइंस है उस पर कि आप 24 घंटे में डिनाई करो, दे विल फ्रीज दैट अकाउंट। बट जितने भी फ्रॉड्स हैं ये मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सारी रकम इधर उधर कर देते हैं। सर इन चोरों को पकड़ा जा सकता है? 100%। आप मैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100% पकड़ा जा सकता है। दे रिपीटिंग ऑन दिस। लोगों को क्या सर, लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? सर अभी अगर मैं बात करूँ, आपने मेजर स्टेप ले लिए हैं, गवर्नमेंट ने आपके लिए लिया, ई पेमेंट्स ले लिया है, ऑनलाइन कर लिया है। यू नीड टू एजुकेट पीपल, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक 55 साल की उम्र में 44 साल की उम्र में किसी को मोबाइल दे रहे हो और उससे बोल रहे हो कि ई ट्रांजेक्शन कर ले, उसको उसके खतरे समझाने पड़ेंगे। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। साइबर क्राइम जिमें जिमें जमाना बदल रहा है, साइबर क्राइम जोड़ा है बहुत बड़ी तादाद छूण लग गया, क्योंकि असं ऑनलाइन हर चीज़ा कर रहे हैं और ऑनलाइन ही जी सा फ्रॉड होने साइबर क्राइम कहते हैं। सो पिछले अगर असी 3 महीने का डाटा देखिए, साढ़े को लगभग 400 के करीब CP लुधियाना के पर मंथ कंप्लेंट्स आनी हैं, और इन्होंने ज़्यादातर जगह लोगों किसी ने कॉल करके, किसी ने रिश्तेदार दस के,
दोस्त मित्र दस के किसी के रिश्तेदार का फसया होना दस के विदेश तो कॉल करके और उस बंदे नू सिमिलर आवाज़ का झांसा दे के उस बंदे नाल ठगी की जाती है। और बहुत सारे केसों के ये कहना कि मैं कुछ पैसे थानू भेजना चाहता सी थोड़े अकाउंट पा रहा और मैं आके थोड़े को ले लाँगा और वो तो बाद बंदा फिर कहता कि मैं कुछ पैसों की रसीद भी भेजता है और वो तो बाद कहता कि मेरे किसी दोस्त मित्र को जरूरत पै गई है इमीजिएट वो कुछ पैसे जो तुम्हें दो। सो इस ढंग भी ठगियां हो रही इन स्पैसीफाई नहीं किया जा सकता। ठग जो है हर रोज़ नवा तरीका लभदा जिदे केस इस तरह के करता है। तो नाल दी नाल साडे कोल बहुत सारे केस इस तरह के भी आते कि फेसबुक सोशल मीडिया से लोग एक दूजे को अब्यूसिव लैंगुएज बोलते हैं कुछ गलत करते हैं किसी की आई डी जी है वह गलत फेक बना के या किसी को इस तरह के मैसेज पा के इस तरह के साडे कोल भी जिहड़े हैगे फ्रॉड के केसिस आते हैं। सर मैं थोड़ा रेशो दसोगे कि पूरे साल के किन्ने को हूँ तक साइबर क्राइम के कोले केस आ चुके हैं? अगर रेशो तुसी 400 की दसी है इहदा मतलब 4800 केस करीब साल दे आए? हाँ बिल्कुल तकरीबन 5000 के करीब साल की साडे कोल दरखास्त इस तरह की आ जाती है। और ये असी जे बहुत सारे लोग है जे इमीजिएट सानू टाइमली दस देंगे जिमें असी यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक पोर्टल बनया हुआ जे रिपोर्ट असी टाइमली करने विदिन 24 आवर तो असी पैसे जे वापस करवा सकते। साडा साइबर सेल सीपी लुधियाणा का हुण तक 1.5 करोड़ के लगभग रुपया जो लोगों का वो वापस करवा चुके हैं जो फ्रॉड हो गया सो टाइमली जी कोई दी जाती है जानकारी वो असी जो है इमीजिएट एक्शन लेंगे और नाल दी नाल पैसे वापस कराने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। जिथे ये चीज़ डिटेक्ट नहीं होंगी है उत्थे असी उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई करते हैं। अच्छा तुसी क्या कि 1.5 करोड़ रुपया वापस दवाया वो इसे तरह का पैसा कि कॉलिंग के जरिए या विदेशों बैठे जोड़े लोग ठगी करते हैं उन्होंने तक भी साइबर पहुंचे फिर 1.5 जोड़े हल हुए ने वो मामले बिल्कुल बिल्कुल ये आउट ऑफ स्टेट तो ठगिया के ज़्यादा मामले होंगे और विदेश तो भी जो कोई ठगी करता इन प्रोसैस जो पैसा पिया होंगे तो RBI जो है ये कनैक्टड है जिमें असी रिपोर्ट करते हैं RBI फरदर कनैक्ट करता और जो पाइपलाइन पैसा पिया वो असी वापस करवा लें। अच्छा जी विदेशी कॉल आती है साइबर क्राइम टैक्निकली मैं यही कहता कि तुम उस चीज़ में वो थोड़ा जहा लोग भी अवेयर होना भी तुम मैसेज देना वो जी विदेशी कॉल आती है वो लोग बचन कि साइबर किमें पहुँचता उन्होंने तक? राइट पुलिस का काम है सब तो पहला प्रिवेंशन और फिर डिटेक्शन। सो साडा प्रिवेंशन ते ज़्यादा जोर रहेगा क्योंकि साइबर क्राइम जिहड़ा हैगा उहदे विच जिहड़ा जे हर व्यक्ति जिहड़ा हैगा इस चीज़ तो जाणू होए कि कितना उहदे नाल फ्रॉड हो सकता है फिर उहतों बच सकता है। सो लोगों नूं इह तों अवेयर होण दी जरूरत है। बहुत सारिया कॉल्स जिहड़ियां सानूं आउंदियां जिहदे विच सानूं रिश्तेदार दा फोन दा बैंक दा अकाउंट दा कट होण दा इहनां नूं बहुत सौखा तरीका है कि असीं उहतों बच सकीए असीं उहनूं क्रॉस चैक करिए जो साडे कोल कोई कॉल आउंदी है फिर फरदर असीं अपने रिश्तेदार नाल कंटैक्ट करन दी कोशिश करिए भी होया की है उहदे नाल घटना किस तरह की हुई। अगर किसी बैंक तो कॉल आँदी बैंक वाले कॉल करते ही नहीं है बैंक वाले कोई लिंक भेजते ही नहीं है ये चीज़ों को असी क्रॉस चैक करिए अकाउंट किहदा है अकाउंट किहदे खाते पैसे जा रहे अकाउंट का ओनर कौन है अगर असी थोड़ा जहा भी क्रॉस चैक करिए तो साडे नाल कोई जिहड़ी दुर्घटना इस तरह की ठग नहीं कर सकते। पर असी जदों उस ठग की आई हुई कॉल को फॉलो करना शुरू कर देंगे ये 3 ही तरीके है या तो वह बंदा थोड़ा लालच देगा कोई थोड़ी लॉटरी निकली है कुछ दूजा होया या थोड़ा थ्रैट करेगा कि थोड़ा ये चीज़ नुकसान होने वाला है या थोड़ा किसी लालच पैसे पाने का कहेगा कि मैं थोड़ा पैसे पा रहा या थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है कि थोड़ा रिश्तेदार फस गया थोड़ा आ हो गया थोड़े आ हो गया। सो थोड़े नाल रिश्तेदार के कंटैक्ट होंगे वो फरदर जिमें मेरे को एक केस आया कि वो भाणजे ने फोन किया। सो जे भाणजे के आप होर जो इतने रिश्तेदार होंगे उन्होंने गल करिए कि इस तरह की कोई घटना वो हुई है तो असं बच सकते हैं। सो ये इलाज नालों परहेज चंगा सो सानू परहेज बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत है। जो भी असं ऑनलाइन होंगे तो यू बड़ा सेंसीवली फोन जोड़ा है इन बड़ा सेंसीवली यूज़ करने की जरूरत है यदि सेंसिस साड़ियाँ ओपन होनिया चाहिए तब जो फोन में असं इस्तेमाल करिए। सवाल उ जो नंबर आता फिर साइबर क्राइम उस नंबर को किमें लगता बाहर कनेडा के बैठा बंदा? डेफिनेटली असी जे जे कंपनी चाहे वह व्हाट्सएप का है चाहे फेसबुक का है चाहे इंस्टाग्राम का है इन्होंने कंपनीज नाल कंटैक्ट करते हैं उन्होंने को डाटा लैके फिर असी क्रिमिनल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अच्छा जरा 1.5 करोड़ की कैश की गल की है ये कैश तुम क्या वापस दवाया टोटल अगर 5000 केस है तो सोल्व किन्ने हुए केस?
बहुत सारे केस जो इमीजिएट रिपोर्ट होंगे वो तो सॉल्व हो जाते जो कैश बेडरान का हूँ हफ्ते बाद दस दिन बाद कोई बंदा थानू आके रिपोर्ट कर लिया फिर मुश्किल होंगे फिर असं क्रिमिनल तक जी पहुँच करने की कोशिश करते ताकि वो खिलाफ एफ आई आर लॉन्च कर सकें। मैं अगर 5000 के विचों अगर ब्रीफ करना हो किन्ने केस करा भी तुम सॉल्व कर दें नहीं ये सॉल्व का मैं थोड़ा जो दसिया कि सॉल्व की जिते परचा दर्ज करने वाली होंगी उत्थे परचा दर्ज करके असी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिते भी कोई जिहड़ा हैगा कंप्लेनेंट चाहता कि मैं एफ आई आर दर्ज करानी है जितों तक पैसे वापस कराने का वो हैगा जे इमीजिएट साडे को रिपोर्ट हो जाता तो असं परस्यू करके वो बहुत सारे केस है जे 1 करोड़ की गल करिए तो ये 1,50,000 2,00,000 6,00,000 हुण इमीजिएटली असी 6,90,000 रुपया एक वापस करवाया सो ये रेशो साडे कोल 10% रही केसा की जिन्हें असी पैसे वापस करवा पाने हैं।